नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम छोटी दिवाली के दिन की आपको कवरेज दिखाते हैं। मार्केट कैसा चल रहा है, मार्केट में उतार चढ़ाव कैसा है, माँ लक्ष्मी की कृपा किस पर बन रही है, किस पर नहीं बन रही है, ये हम आपको राम जी की कृपा किस पर बनने वाली है या नहीं बनने वाली, ये भी आपको मार्केट की तस्वीरें दिखाते हैं। मार्केट में कैसा चल रहा है, आज गोभी का रेट काफ़ी सस्ता है, सब्जियों के जहाँ आज के दिन भीड़ लग रहती है, आज सुनसान दिखाई दे रहे हैं, ग्राहक बहुत कम नज़र आ रहे हैं। मार्केट में लोगों का कहना है कि मार्केट में अभी ये पता नहीं चल रहा दीपावली कल है या परसों है। आप देखिए, खिल बतासे वाले सोने खड़े हुए हैं और इंतजार में है कि ग्राहक आएगा। यहाँ देखिए, दीपावली के सज्जे साज सामान की दुकान है, खाली खड़े हुए हैं। ये झालर की दुकान है, कोई ग्राहक नहीं है। अभी दो लड़कियाँ आई हैं, मगर लोगों का कहना है कि दीपावली कल है या परसों है, स्थिति साफ नहीं हो पा रही। हम आपको बताते चलें, दीपावली 31 तारीख को यानी कि कल है, सभी जगह दीपावली कल मनाई जाएगी। जो भ्रम फैला रहे हैं उनकी बातों में ना आए, दीपावली यानी कि कल रहेगी, बृहस्पत के दिन दीपावली रहेगी। शुभ मुहूर्त दीपावली का शाम को है। आप कहीं करते हैं अशोका होटल के स्वामी से, आज का दुकानदारी कैसे चल रही है? बहुत मंदा है। लागत भी निकल पाएगी नहीं निकल पाएगी? आपको लागत भी निकल नहीं आती? लोग जो है कंफ्यूज है कि त्यौहार आज है कि कल है, 31 की बता रहे हैं कोई दिवाली, कोई एक की बता रहे हैं, कोई आज धनतेरस बना रहे हैं, किसी ने कल बना लिया, तो चार पांच दिन चलेगा काम। तो पहले से हल्का लग रहा काम ज़्यादा है? पिछली बार से हल्का है क्योंकि गिफ्ट आइटम ज़्यादा चलने लगे हैं, गिफ्ट आइटम ज़्यादा, रेडीमेड आइटम ज़्यादा चलने लगे, तो मिठाई कम खरीद रहे हैं लोग बाग मिठाई भी खरीद रहे हैं बट उतना नहीं खरीद रहे, जितनी खरीदनी चाहिए थी उतनी नहीं खरीद रहे, गिफ्ट आइटम की तरफ ज़्यादा चलते हैं। आपके यहाँ क्या क्या मिठाई है? मावे के आइटम है, छह के आइटम है, बेसन के आइटम है। मावे के आइटम क्या रेट में चल रहे हैं? 320 से लेकर 500 रुपये किलो तक। 320 से लेकर 500 रुपये तक। भैया कैसा चांग काम चल रहा है आपका? काम त्यौहार दो त्यौहार होने के कारण जो है सभी का हल्का काम है इस बार। दो क्या मतलब, दो क्या त्यौहार कैसे हो सकते कि मार्केट में एक हवा बनी हुई थी कि दीपावली आज नहीं कल है, कल नहीं परसों, ठीक उसी तरीके से जैसे कि धनतेरस भी दो बनाई गई है, तो एक जम के काम नहीं हुआ। तो दीपावली कल नहीं है? कल दीपावली है, कुछ परसों बता रहे हैं, तो इस वजह से जो काम बटा हुआ है सभी का ही। अच्छा, तो काम पर काफ़ी फर्क लग रहा है? बहुत ज़्यादा फर्क है काम पर। जो आपने लागत लगाई क्या शायद निकल पाएगी या नहीं? बस देखो, ऊपर वाला सबके साथ है तो हमारी भी साथ है, सबकी निकल जाएगी। आप पंडित जी, दीपावली कैसी चल रही है आपका? दीपावली आपके जो है दो चार दिन मतलब जैसे दो मनाई जा रही हैं, इस कारण से ग्राहक कंफ्यूज है। अभी तो बहुत सामान रखा हुआ है बिक्री के लिए, अभी तो ग्राहक जो है यहाँ तक पहुँचा नहीं है, भगवान की कृपा से। मैं सोचता हूँ कल आप लोगों के आशीर्वाद से ग्राहक अच्छी रहेगी। आपके थोड़ा सा महीने के आखिरी होने की वजह से जो है थोड़ा दीपावली फीकी है और महंगाई भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है। और क्या रीज़न है जो आपका ग्राहक कम दिखाई दे रहा मार्केट में, मार्केट सूनी नज़र आ रही है? ऐसा है कि अब लोग जो हैं मल्टीनेशनल स्टोर जो खोल रही हैं बड़ी कंपनियां, उनसे छोटे दुकानदारों को बहुत प्रभाव है। ऑनलाइन लोग माल मंगा रहे हैं तो हमारे जो फल लगाने वाले हमारे जैसे दुकानदार हैं वो निराश हैं। यानी कि ऑनलाइन का बहुत बड़ा बिजनेस पड़ रहा है, हर साल जो है वो ऑनलाइन बढ़ता जा रहा है, हम लोगों का व्यापार का लंबा बड़ा असर पड़ रहा है। जबकि ऑनलाइन महंगा मिलता है जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपकी जानकारी बिल्कुल सही है, लेकिन बस व्यापार
व्यापार जो है वो मल्टीनेशनल कंपनी धीरे धीरे छोटे व्यापारियों का व्यापार को निकल रहे हैं। पढ़ने क्या काम चल रहा? ठीक है अपना, जैसे है वैसे। महीने के एंड में जब दिवाली पड़ती है थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है, लेकिन फिर भी चलिए, प्रभु का आशीर्वाद है। पहले से रौनक कम दिखाई दे रही है? हाँ, वो इस बार ऐसा है ना कि मैंने बताया ना, महीने के एंड में जब भी दिवाली होती है तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। ऐसा क्यों है? वो भाई सब तंगा वंगा मिलती है, तंगा सब तक खत्म हो जाए, सबकी तंगा तारीख है। अब 10 तारीख से, अब 10 तारीख मिले 20 तारीख से सब खत्म हो जाता है, तो मार्केट डाउन तो रहता ही है। जब भी महीने के एंड में आती है तो मार्केट डाउन हो जाता है। नमस्कार साहब। वकील साहब, कैसी चल रही है आजकल? बढ़िया, बेहतरीन। दीपावली का मजा आ रहा है, त्यौहार का मजा आ रहा है। हाँ, आज पहली बार लाइन पार में इतना बड़ा बाजार भरा है दीपावली त्यौहार का। आज से पहले इतना बड़ा बाजार लाइन पार में नहीं लगा। तो यहाँ तो बता रहे हैं कि काम धाम नहीं है मार्केट में? नहीं, काफ़ी काम है, लगता है दुकानें ज़्यादा है। आज पहला दिन है, कल को और ज़्यादा काम होगा। भैया क्या कहना चाहोगे आप? आपकी मूर्ति बिक रही? नहीं बिक रही? मूर्ति बिक रही है, खूब बिक रही। हाँ, पहले से ज़्यादा है इस बार या कम है? बस ना कम है ना ज़्यादा, ठीक है, सही है। हाँ भैया, आप क्या कहना चाहोगे इसके विषय में? मार्केट बहुत कम है। मार्केट बहुत कम है? हाँ, काम नहीं है। अब क्या? बहुत कम है, बहुत कम। अच्छा, यहाँ मार्केट में आए हुए हैं, कैसा लग रहा है मार्केट में? बहुत उत्साहवर्धक। हम लोग कह रहे हैं कि इस बार काम नहीं है, क्या क्या बात है? ऐसा काम, पूरा काम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, पूरा उत्साह का माहौल है। नहीं, लोगों का कहना है कि इस बार मार्केट में काम नहीं है, काम खाली है। हर व्यक्ति के अलग अलग विचार होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे लिए बहुत उत्साह का विषय है, और बहुत दिन बाद ऐसी दीपावली आ रही है जो आज अयोध्या में बड़ा दीपोत्सव होने जा रहा है। आज के बाद ऐसी दीपावली आएगी नहीं, ईश्वर करे, बहुत इससे भी अच्छी आए, इससे भी अच्छी आए। बिना बाबू, दीपावली कैसी है आज की? दीपावली की शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, बहुत बहुत पूरे परिवार से ही। और आपके दिवाली का त्यौहार, आपके पता नहीं चल रहा है कि 31 में है या 1 में है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से दिवाली का त्यौहार बहुत बढ़िया बन रहा है। और दिवाली बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों को दिवाली की, गोवर्धन की, भैया दूज की, सभी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अर्जुन है। कैसा काम चल रहा है इस बार? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे जनता के लिए? बस सबको हैप्पी दिवाली हमारी तरफ से, चतुर्वेदी फैमिली की तरफ से, चतुर्वेदी स्वीट्स और नमकीन की तरफ से। मास्टर, दीपावली कैसी लग रही है आपको? बढ़िया लग रही है, फर्स्ट क्लास माहौल है एकदम। अच्छा, सब लोग खरीदारी में बिजी हैं, और दीपावली को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, साल भर का त्यौहार। सिटी हलचल की ओर से और हमारी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? राजीव।